आज कटरा साउथ रीजन के कार्यालय में पीएचई डेली वेदर एसोसिएशन द्वारा जो मंथली मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें लगातार हम जो 3 महीने से काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज हमारे तक नहीं पहुंचा है जिससे डेली वेजर को राहत प्रदान हुई हो। मैं इस चैनल के माध्यम से सीधा सीधा गवर्नर साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों हमारी गवर्नर साहब से भी मीटिंग हुई और उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाने का हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने ये हमें आश्वासन ये क्लियर किया था कि आने वाला बजट जो है उसमें जो है पीएचई डेली वेजर्स का मुद्दा रखा जाएगा और उसी बजट सेशन में जो हमारा पेंडिंग वेजेस का इशू है, जो एसआरओ 520 का इंप्लीमेशन का इशू है, वो क्लियर कर दिया जाएगा। और मैं चैनल के माध्यम से फिर अपील करता हूं कि जो जो हमें आश्वासन मिला है, इस बार वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन नहीं होना चाहिए। गवर्नर साहब से सीधी अपील करता हूं कि फौरी तौर पर वो मसला हमारा हल हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी, अभी शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्दी जो हमारे सीपी वर्कर जितने भी लगे हुए डिपार्टमेंट में सबको पेंडिंग वेजेस जो है दी जाए ताकि हमारे साथियों को राहत हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद हम पूरे परिवारों से जो है रोडों पे निकलेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और जैसे भी अगर हालात खराब होते हैं उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि डेली वेजेस की।